और इस बुलेटिन में बहुत स्वागत है आपका। रायपुर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर अब सरकार सख्त हो गई है। छत्तीसगढ़ में मौतों का नए सिरे से ऑडिट कराने का फैसला किया गया है। 1 मार्च के बाद हुई मौतों का नए सिरे से राज्य सरकार ऑडिट कराएगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए हैं। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त हो गई है। छत्तीसगढ़ में मौतों का नए सिरे से ऑडिट कराने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को निर्देशित किया। मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को ये डायरेक्शन दिया है कि आप 1 मार्च से पुनः पूरा ऑडिट करिए कि जितने लोगों की मृत्यु छत्तीसगढ़ में हुई है कहीं भी ऐसी कोई बात किसी अस्पताल में थी क्या कि उनकी मृत्यु जब हुई तो उस अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था, तो इसकी हम ऑडिट करा रहे हैं फिर से। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, अब देखिए ऑडिट कराया जाएगा नए सिरे से, तो 1 मार्च के बाद मौतों का ऑडिट होगा, कैसे इसको जमीनी रूप दिया जाएगा, विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए मौतों के ऑडिट के बाद जहां तक है छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले भी इसको लेकर एक ऑडिट कराया था। इस बार जो ऑडिट में नया पॉइंट जोड़ा जाएगा और उसको विस्तारित किया जाएगा वो ये होगा कि क्या किसी अस्पताल में या कहीं पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी कोरोना पेशेंट की डेथ हुई है। ये मामला तब चर्चा में आ गया जब केंद्र ने ये बयान दिया कि देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई और हंगामा मचा। केंद्र का तर्क था कि राज्यों ने इस प्रकार के आंकड़े दिए हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उसी को नकारा और कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़े केंद्र ने दरअसल मांगे ही नहीं थे। उन्होंने उन 3-4 पॉइंट को साझा भी किया था जिसके आधार पर रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात सामने आई है तो निश्चित रूप से प्रिंसिपल स्वास्थ्य सचिव जो है उनको इस बात के निर्देश दिए गए कि 1 मार्च के बाद आप पता करें, इस बात को ऑडिट करें, जानकारी मिले और लोगों से भी पूछें। लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि आम लोग या सामाजिक संगठन, अगर आपकी जानकारी में है ऐसा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है तो उसे सरकार के संज्ञान में लाया जाए। उन्होंने कहा कि अपने केंद्रीय नेतृत्व के समझाइश और निर्देश के अनुसार वो इस प्रकार का ऑडिट करवा रहे हैं यहाँ पर, और साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि केंद्र को भी इस प्रकार के ऑडिट करवाना चाहिए जिससे पारदर्शिता बनी रहे। तो छत्तीसगढ़ में अब ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई इसको लेकर ऑडिट चालू होगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि अब ऑडिट शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दे दिए हैं।